हेलो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का वक्त है और प्यारे से गुलाब के साथ करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। फ्रेंड्स, बारिश के बाद बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है और ये बारिश हमारे प्लांट्स के लिए तो अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि सारे प्लांट बहुत ही अच्छी रंगत के साथ हमारे गार्डन में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर आजकल सारे प्लांट्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ इस खूबसूरती को शेयर किया जाए और आपके गार्डन में भी इस तरह की खूबसूरती होगी। और अब सदाबहार खिलने लगा है, सुबह का वक्त है, आपको चिड़िया वगैरह की थोड़ी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। आजकल काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क एरिया में चल रहा है, तो थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए समय खोजना पड़ता है। सुबह सुबह का वक्त है और बारिश के बाद सारे प्लांट्स एक विशेष चमक के साथ गार्डन में दिखाई दे रहे हैं। वही सुंदरता मैं आज आपको सुबह सुबह दिखाना चाहती हूँ, तो आप भी प्यारी सी सुबह के साथ लीजिए सुंदर चमकदार। चाहे अभी गुड़हल में ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पर उसके पत्तियाँ देखिए आप कितनी चमकदार हैं। ये मैंने सारा कट कर दिया था और इसमें इस तरह से चमकीली सुंदर हरी पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। तो फ्रेंड्स, आप गुड़हल में केले के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए, और केले के छिलकों को थोड़ा सा सुखा कर इसी तरह से इनके नीचे डाल भी सकते हैं। देखिए, मैंने काफ़ी डाले हैं और ये सूख के इस तरह से हो गए हैं। तो अभी गर्मियों में तो ये आराम से आप छिलके डाल सकते हैं और सूख जाएंगे वो। और ये गुड़हल का प्यारा सा फूल और एक खिलने को तैयार। तो इस तरह से, और कोलियस बहुत ही सुंदर इस टाइम निखर के आया है, और मेरे मैरीगोल्ड भी अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं, और यूफोर्बिया मिली बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रही है। इस बार मैंने इसे कटिंग से काफ़ी जगह ग्रो किया है और हमेशा की तरह गुलाब अपनी सुंदर आभा के साथ गार्डन में खिला है। इस गुलाब की एक खासियत है कि ये अलग अलग रंगों में आपको एक ही प्लांट पे दिखाई देगा। शुरुआत में बहुत ही प्यारा सा कलर आता है और धीरे धीरे मैच्योर होता है, तो फिर इसकी रंगत अलग ही होती है। और ये देखिए, इस वाले गुलाब की, और ये एक ही पेड़ के प्लांट है और इसमें ये थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो इसमें देखिए ये कितनी सुंदर डार्क गुलाबी जो है, इसमें जो छींटे जैसे दिखाई दे रहे हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये किए, और सूखने के बाद इस तरह का ये दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, जब इस तरह से सूख जाए तो आप इसे हटा दीजिए और कंपोस्टिंग में डाल दीजिए। ये देर में कटिंग किया है तो इसमें अभी बड्स बन रही हैं, और ये मैंने थोड़े से मॉस रोज लगाए हैं, आप भी लगाइए, अच्छा मौसम चल रहा है। और ये शिमला मिर्च भी ग्रो कर रही है, कड़ी पत्ता अच्छा हो रहा है। और फ्रेंड्स, कड़ी पत्ता आपका भी अब अच्छा हो गया होगा। अगर आपको और घना बनाना है तो आप इसे पिंच कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन इस तरह से पिंच कर दीजिए तो आप इसमें से और टहनियाँ नीचे से शाखाएँ यहाँ से आ जाएंगी। तो आप घना बनाने के लिए इसे पिंच कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया, और मोगरा फ्लावरिंग कर रहा है। और इसे भी आप
दीजिए, केले के छिलकों का या जो भी आप फ्रूट खाते हैं, और चाय पत्ती की जो खाद है ये मैंने कल ही डाला है, तो इस तरह से भी आप डाल सकते हैं। और इसे पानी में डालकर भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और ये प्यारा सा संध्या फूल अभी खिला हुआ है, क्योंकि अभी सूरज नहीं निकला है, जैसे ही सूरज आएगा तो ये मुरझा जाएगा। तो इस बार ये संध्या फूल मैंने काफ़ी जगह ग्रो किए हैं, बड़ा सुंदर सा प्लांट है, क्योंकि ये शाम को ही खिलता है और सुबह तक रहता है। और मधुमालती की बेल देखिए, बहुत ही सुंदर ग्रो कर रही है, और इसमें अब नई नई बड्स बन रही हैं, और ये थोड़े दिनों में फ्लावरिंग करेगी। और बोगनवेलिया सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है, और इसमें बारिश के बाद जो इसकी कोमल कोमल ये पत्तियाँ थी, जो फूल थे, ये थोड़े से गल गए हैं बारिश से, और ये नई ग्रोथ है, तो बहुत ही सुंदर है। तो बहुत ही सुंदर प्लांट है बोगनवेलिया, इसे आप अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं। और ये देखिए न्यू ग्रोथ, जब नई नई ग्रोथ शुरू होती है तो बहुत ही प्यारी लगती है, घंटों हम इसके पास बैठकर इन प्लांट्स को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप कभी दुखी परेशान हो या थोड़ा सा समझ में ना आए, तो अपने प्लांट्स के पास ज़रूर बैठिए, आप महसूस करेंगे, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, और जो भी सिचुएशन आपके सामने आती है वो बिल्कुल ही सामान्य हो जाएगी। तो प्लांट्स लगाने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि हम सामान्य बने रहते हैं कैसी भी परिस्थितियों में। जब भी आप कभी ऐसी स्थिति से गुजरें, परेशान हो, या इस तरह की सिचुएशन आपके ज़िंदगी में आए, तो आप प्लांट्स के साथ बैठिए और उसे ध्यान से देखिए, तो आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप भी इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, हम जब इनको देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। फ्रेंड्स, नए नए बहुत सारे प्लांट्स लगाने के बजाय आप एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट लगा कर देखिए, ये भी एक अच्छा अनुभव होता है। मैंने इस बार बड़ी मात्रा में कोलियस ग्रो किया है, गर्मी में थोड़ा, जब गर्मियाँ पड़ी थी होली के बाद, तो ये थोड़ा सा डल सा हो गया था, और जो बारिश आई है उसके बाद देखिए कितना सुंदर इसका रंग निखर कर आया है, बिल्कुल चमकीला। तो इस तरह का माहौल आप भी क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छी होगी, और आप पूरे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा सहयोग कर रहे होंगे। थोड़ी सी कोशिश और थोड़ा सा मन में प्रकृति के लिए प्रेम ज़रूरी है। अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में, तो ज़रूर आप प्लांट्स लगाएंगे, और जो लगा रहे हैं वो इस अनुभव से गुजर रहे हैं जो मैं बता रही हूँ। और कोशिश कीजिए, गार्डनिंग कीजिए। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक कोलियस का अलग रंग का प्लांट है, और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। वैसे मैं बोलती हूँ कि ये फ्लावर आप हटा दीजिए, पर मैंने ये रखा है आपको दिखाने के लिए कि इसके फ्लावर भी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं। तो इस तरह से अगर आपके फ्लावरिंग हो रही है, तो फ्रेंड्स आप इन फ्लावर को हटा दीजिए, और एक्सपीरियंस के लिए फ्लावर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह के फ्लावर हमारे कोलियस में आते हैं, इस तरह के फ्लावर आते हैं। देखिए, वैसे तो फ्लावर भी अच्छे लग रहे हैं, फूल तो अच्छे ही लगते हैं हमेशा, पर इससे इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, फिर ये बढ़ेंगे नहीं अगर हम इन फ्लावर को हटाएंगे नहीं। अगर आपके पास बहुत सारे प्लांट हैं तो आप इसका आनंद भी ले सकते हैं, और इसमें भी कुछ इस तरह के
फूल आ रहे हैं, मैं इनको हटाती रहती हूँ, तभी ये इतना घना हुआ है। तो इस तरह से आप हटा दीजिए। और पिंचिंग तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ, अगर आपको कोई अपना प्लांट घना करना है तो उसको इस तरह से ऊपर की टिप तोड़ दीजिए तो आपका प्लांट घना हो जाएगा। और गुलदाउदी को देखिए, कट कर दिया था बारिश के बाद, कितनी सुंदर हरी भरी हो गई है। अब ये इसको पूरा गर्मियों हमें रखना पड़ेगा, सर्दियों में ही इसमें फ्लावरिंग होगी। तो इस तरह से गार्डनिंग में हमें बहुत ही पेशेंस से काम करना पड़ता है और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद फिर इसमें फ्लावरिंग होगी। और ये सब चिड़िया और पक्षी इस अनार के पेड़ पर लगातार ही आते रहते हैं और इसमें बहुत सारे फूल बन रहे हैं और कुछ फल में भी तब्दील हो गए हैं। ये देखिए, और इन फूलों को खाने के लिए एक विशेष प्रकार की चिड़िया भी इसमें आती है और इसके अंदर चोंच से इसका रस ले जाती है। तो जब जिस तरह के फ्लावर खिलते हैं उस तरह के पक्षी भी अपने आप ही गार्डन में आ जाते हैं। और कड़ी पत्ता बहुत ही अच्छा हो रहा है, अभी मैंने इसको आपको पिंच करके दिखाया है। इसको घना बनाने के लिए आप पिंच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरे कुछ टमाटर भी यहाँ पर उगे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तो आप फूलों और पेड़ों के साथ साथ इस तरह के प्रयास भी कर सकते हैं। जो घर में टमाटर आते हैं उन्हीं को काट कर आप मिट्टी में मिला सकते हैं उनके बीजों को, और इस तरह से टमाटर आपके भी तैयार हो सकते हैं। तो इस तरह से फूल और फल और सब्जियां, सब तरह की चीज़ें आप उगा सकते हैं। और ये पालक का बीज तैयार हो रहा है और ये मैंने छोड़ा है इसे ताकि बीज बन जाए तो मैं फिर इसे उगाऊँ। और ये पालक भी इसमें काफ़ी ग्रो हो रहा है। तो इस तरह से, और मैरीगोल्ड बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तुलसी अब आपकी भी हरी भरी हो गई होगी और इसकी मंजरियां मैंने सारी हटा दी हैं। अगर कोई सूखी टहनियां हैं तो उन्हें भी आप हटा दीजिए। और आपकी कोई तुलसी सूख गई है तो आप उसे अब नवरात्र में हवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी हुई तुलसी की टहनियाँ हवन के लिए अच्छी मानी जाती हैं। और ये देखिए, इतने सुंदर सुंदर मैरीगोल्ड खिले हुए हैं और सारी पत्तियाँ हरी भरी हैं। और ये मैंने जो सलाद पत्ता लगाया था ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। और जो सूख रहे हैं जो प्लांट, मैं उन्हें उखाड़ती जा रही हूँ और नीचे से और नए नए प्लांट भी ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरह से लगातार अपने पॉट को मैनेज करके रखिए। अगर बड़ा प्लांट सूख रहा है तो नीचे भी कुछ ना कुछ बीज उगाते रहिए ताकि ये बड़े होंगे और ये ख़त्म होंगे तो आपका पॉट पूरा ही भरा रहेगा। पूरा खाली अपने पॉट को ना होने दें। तो यही सब सुंदरता दिखाने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ी सी इस टाइम शांति भी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा गार्डन आप बताइए। और आपको गार्डनिंग से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, छोटी मोटी शुरुआती, तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। अगर संभव हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगी। और सुंदर भरे हरे भरे गार्डन के साथ
विदा लेते हैं और पक्षी लगातार अपना अपना जहाँ से जो भी मिल रहा है वो खाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार आपको सुंदर से फूलों का दृश्य भी दिखा देती हूँ। इसमें भरपूर मात्रा में इस बार फ्लावरिंग हो रही है और बहुत सारी पक्षी इसमें आश्रय भी लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कीजिए गार्डनिंग और इस तरह से सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों के साथ रहिए और एनवायरनमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। हैप्पी गार्डनिंग।